रांची के बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं हुआ। आउट हो गए इनका। सुल्तानपुर 49 का पहला विकेट गिर गया है। पटाके खेला हो आमिर। दो ओवर में 8 रन बना लिए हैं सुल्तानपुर। मोहित बेहतरीन शॉट, खूबसूरत शॉट। ओवर की गेंद इसे खेला फाइन, अभी जबरदस्त फील्डिंग अभी तक कर रहे हैं। दो रन का इशारा एम्पायर का। नितिन शर्मा जी अगर आप हमारी आवाज सुन रहे हैं तो थोड़ा अजय कसौदर को कॉल कर दें। तीन ओवर की समाप्ति पे स्कोर 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तीन ओवर में 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर। शिवानी मातन हिलिया जी एवं प्रशांत देव शुक्ला जी मैच का आनंद उठाते हुए बेहतरीन शॉट, नो डाउट नो डाउट, एक नंबर शॉट बाजी कर रहा है मेरा। बाहर मार दिए बल्लेबाज, झटका लगता हुआ सुल्तानपुर 9 स्टार। रफ्तार बेहतरीन रफ्तार, तगड़ी अपील नकारा अनिल वर्मा जी ने। बिल्लू इसी बीच अंपायर का डिसीजन निश्चित तौर पर बाई के रूप में मिल गया है। दो रन मिसफील्डिंग करते हुए कीपर दे गए रन। अंतिम गेंद पर भी 4 ओवर 24 रन 3 विकेट, ताबड़तोड़ मैच होता हुआ दो बेहतरीन टीमें। गंदी गेंद उसका पूरा फायदा उठाते हुए बल्लेबाज 22 रन पहुंच गया है स्कोर। रवि बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं, 10 रन बना चुके हैं। एक और बेहतरीन स्कोर, बेहतरीन मुकाबला बल्लेबाज और गेंदबाज के बीच बेहतरीन तरीके से हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर शिवानी मातन हेलिया मैम एवं डॉक्टर प्रशांत देव शुक्ला जी मैच का आनंद उठाते हुए हमारे बीच, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। अच्छी गेंद बीट कराने में समर्थ प्रिंस टीमों के बीच। एक रन के लिए दौड़ गए हैं निश्चित तौर पर डायरेक्ट थ्रू बेहतरीन रन आउट कर दिया है रोहित भैया का शानदार थ्रू, चौथा झटका। रवि शानदार तरीके से खेल रहे हैं, शानदार तरीके से खेल इसी बीच बेहतरीन शॉट।
बेहतरीन तरीके से समाप्त करना चाहेंगे। 8 ओवरों का ये मैच खेला जा रहा है। 5 ओवर में 31 रन बन चुके हैं। दर्शकों से भीड़ चारों तरफ भरा हुआ है। बेहतरीन तरीके का मुकाबला देखने के लिए सारा शहर उमड़ गया है। स्वर्गीय ठाकुर गंगा ओवर मैकी बेहतरीन गेंदबाज गति में मिश्रण करते हैं और देखना होगा। इसी बीच हल्के हाथ से खेल के रन लेना चाहते थे, निश्चित तौर पर देखना होगा और अंपायर का डिसीजन आउट। झटका लगता हुआ पिल्लू वास्ता का, रन आउट के रूप में गिर गया है। 5वां झटका, 3 विकेट रन आउट के रूप में और 2 विकेट फरहान के खाते में। हल्के हाथ से खेल के रन लेने के लिए दौड़ गए हैं। स्ट्राइक पर पहुंचने वाले बल्लेबाज नाम बता दें। इंडियन आइडल प्रतिभागी राज हुसैन ज्वाइन करते हुए हमारे इस अच्छा शॉट रन लेना चाहते हैं, निश्चित तौर पर देखना होगा। अंपायर का डिसीजन 3 रन पर सुपर 9। हल्के हाथ से खेल के रन लेने के लिए दौड़ गए और पूरा भी कर लेंगे इस तरह किया। बेहतरीन तरीके की गेंदबाजी और विकेट दिलाते हुए टीम को मैगी आशीष का झटका। आशीष का विकेट गिरा, 6ठा विकेट गिर गया है। मैगी है भारती जी, शानदार तरीके से अपना योगदान दे गेंदबाजी। रफ्तार, बेहतरीन रफ्तार से गेंदबाजी करते हुए रोहित जानते हैं कम से कम रोकना चाहते हो। किसी भी गोल्ड मार दिया है, बेहतरीन गेंद हकाती हुई बल्लेबाज। सागर का विकेट गिर गया है। 7वां झटका, बेहतरीन तरीके से वापसी करती हुई प्रतापगढ़ शहर का नाम रोशन करने वाली टीम सदर ए, बेहतरीन तरीके से 7वां झटका लग चुका है। तालियों से अगर आखिरी जोड़ी मैदान में अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद, बेहतरीन वापसी करते हुए सदरे, बेहतरीन तरीके से दर्शक चारों तरफ से तालियां बजा। देखना होगा अंपायर का डिसीजन क्या है। लेग बाई के रूप में मिल गए 2 रन इसी ओवर में, इस इनिंग को। बेहतरीन गेंदबाज है, बेहतरीन अपील, लेकिन राजकुमार भारती जी ने नकारा। बेहतरीन तरीके से अंपायरिंग करते हैं राइट आर्म ओवर दी और 2 रन मिल जाएंगे। सात ओवरों में 41 रन, बेहतरीन शॉट निकलता हुआ बल्लेबाज अंशु के बल्ले से। अच्छी गेंद, बढ़िया तरीके से वेट किया। अंपायर का डिसीजन देखना होगा निश्चित तौर पर, नॉट आउट का इशारा अंपायर का। इस बीच पहुंच गया है टीम। अंशु का बेहतरीन शॉट निश्चित तौर पर देखना होगा, अंपायर का डिसीजन निश्चित तौर पर जरूर से। थर्ड अंपायर भी रिपोर्ट किया गया है। थोड़ा हो बस।
बोलिए थोड़ा। सुल्तानपुर सुपर 42 रनों पर सिमट गई है। अब सदर को ऑल आउट हो चुकी है टीम, 42 रनों पर ऑल आउट हो गई है। बेहतरीन शॉट निकलता हुआ और तालियां गड़गड़ाते हुए दर्शक। 43 रन चाहिए जीत के लिए। पहला खाता खुल चुका है टीम का टूर्नामेंट को सफल बनाने में। इसी बीच बेहतरीन शॉट, लेकिन अच्छा शॉट, निश्चित तौर पर बेहतरीन बल्लेबाजी। ताबड़तोड़ स्ट्रोक रेवेंदु के, बेहतरीन शॉट, उतनी जबरदस्त फील्डिंग। कवर पे खड़े फील्डर एक और बिना किसी नुकसान के बेहतरीन गेंदबाजी की। बिल्लू समझदार गेंदबाज है और रविंद्र अभी अभी आए हैं फील्ड। बेहतरीन स्ट्रोक आमिर के बल्ले से आता हुआ, 6 रन पहुंच चुकी है टीम। इसको बनाना देना चाहेंगे। बेहतरीन स्ट्रोक और जबरदस्त फील्डिंग, बेहतरीन तरीके से रोका बिल्लू ने। बेहतरीन फील्डर, शानदार बल्लों में बल्लेबाजों में सुमार। 8 रन पहुंच चुका है टीम का स्कोर। बल्लेबाज आमिर को वेट कराती हुई बेहतरीन गेंदबाजी करता है गेंदबाज। 2 ओवरों की समाप्ति पर 8 रन। बिल्लू राइट हैंड ओवर दी। इस बीच बेहतरीन शॉट रविंद्र के बल्ले से। दर्शक चिल्लाएंगे नहीं तो रनों की गति धीमी हो जाएगी। 10 रन पहुंच चुका है टीम का स्कोर। इसी बीच अच्छा शॉट, लेकिन सीधे फील्डर चिंटू के हाथ में। इसी बीच बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। लगातार अच्छी गेंदबाजी करते हुए बिल्लू। बेहतरीन टीम सुल्तानपुर सुपर 9। बैट और बॉल का बेहतरीन संपर्क होता तो जरूर से ये स्ट्रोक। इस बीच बेहतरीन फुलटास गेंद का पूरा फायदा उठाते हुए। तीन ओवर 12 रन, इसके बाद बेहतरीन मुकाबला देखने को मिलेगा। स्पोर्ट चैंपियन जौनपुर वर्सेस तैलाबाऊ। अच्छा शॉट क्लिक कर दिया है गति को। इसी बीच बेहतरीन स्ट्रोक, जबरदस्त फील्डिंग करने की कोशिश, लेकिन नाकाम है। इसी बीच बढ़िया तरीके से खेल गए, 1 रनों के लिए दौड़ गए हैं। तो जैसे कि 24 गेंदों में 25 रन बनाना है सदर की बल्लेबाजी कर रही टीम को। और फिर से अच्छी गेंद गई स्लिप के हाथों में, 1 रन हो गए यहाँ पर। और फिर से इशारा देख रहा हूँ अंपायर का। और फिर से अच्छी गेंद यहाँ पर और आउट हो गए, रन आउट हो गए। थोड़ा फाइल में दिक्कत है, गेंद और नहीं पाए, नहीं तो फाइल की तरफ। लेकिन यहाँ पर अंपायर के साथ देखना होगा, नॉट आउट का इशारा अंपायर का, नॉट और थर्ड अंपायर का डिसीजन आउट का। आउट हो गया और इसका विकेट गिरता हुआ यहाँ पर बाहर है। क्यों गेंद उसको छेड़ दिया गया सीधे पॉइंट के हाथों में, विकेट गिरता हुआ। एक और विकेट गिर गया और यहाँ सदर के लिए बहुत मुसीबत भरे पल इस समय है। और नो बॉल का सारा पार का और टूट गई यहाँ पर। और बाई के रूप में यहाँ पर देखना होगा पार का सारा क्या होता है। अच्छी गेंद यहाँ पर और हाथों में ले लिया रन यहाँ पर। कीपर ने इसको थंबल किया।
और उसको बहुत ही शानदार तरीके से खेलना चाहते थे, लेकिन गई सीधे कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं। और बाहर मार दिया यहाँ पर, एक और विकेट गिरता हुआ था। टीम को जिताने में अहम योगदान जुटाना होगा बल्लेबाज रिजवान को। इसी बीच इसको मिलता हुआ 27 रन। रिजवान जरूर चाहेंगे स्ट्राइक, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं रिजवान। 11 गेंदे 15 रन, सामने चौका भी है। इस टूर्नामेंट बेहतरीन तरीके से सजाया गया ये ग्राउंड। 11 गेंदे 15 रन, इस तरीके से देखना होगा। एक रन मिल जाएगा, 10 गेंदे 14 रन, इस तरीके के मुकाबले। इसी बीच एक रन के लिए दौड़ गए हैं प्रिंसु, निश्चित तौर पर पूरा भी कर लिया है। लेग पाई का इशारा, पैर का इस तरह, चौकों में डील करना चाहेंगे प्रिंसु। 9 गेंदों पे 13 रन, ऑफ स्टिक के बाहर, निश्चित तौर पर वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, दिशा से भटके हुए। इसी बीच अच्छे का एक रन पूरा कर लिया है, बाहर मार बैठे हैं और विकेट गिरता हुआ। जितने दर्शक, इसी बीच ताबड़तोड़ तालियां बजेंगी तो शायद सदर है। हेलो, आईपॉड यार दिल्ली का होगा यार, आईपॉड तुम्हें बता देता। अच्छा शॉट, और दो रनों के लिए मिसफील्डिंग हो गई है। 9 रन चाहिए, एक ओवर में 9 रन चाहिए, 6 गेंदे 9 रन। प्रिंसु होंगे स्ट्राइक पर और अंतिम ओवर गेंदबाज, नाम बताएंगे गेंदबाज अंतिम ओवर जो लेकर आए हैं, रवि। रवि अंतिम ओवर फेंकेंगे, जरूर उन्हें बनाना है और बेहतरीन मुकाबला। बेहतरीन तरीके से खेल के एक रन के लिए दौड़ गए, निश्चित तौर पर देखना होगा। रन आउट हो गए प्रिंसु, झटका लग चुका है। बेहतरीन फील्डिंग करते हुए आशीष, जबरदस्त ये प्लेयर है, जबरदस्त। और ये राइट आर्म ओवर द विकेट से एक नंबर गेंद, काफी सदर एक एक कप्तान से अनुरोध है कि कमेटी द्वारा को सिर्फ 5 मिनट का समय दिया जा रहा है, जो भी डिसीजन लेना हो ले, वरना सुल्तानपुर सुपर 9 को विजय घोषित कर दिया।